पूरे प्रदेश के साथ दमों में भी कोरोना कर्फ्यू लागू है। ऐसे में कोरोना कर्फ्यू को तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, लेकिन पुलिस का कहना है कि कार्रवाई करना उनका लक्ष्य नहीं है, वरन लोगों को कोरोना कर्फ्यू का पालन कराना उनका लक्ष्य है और लोगों को कोरोना के इस संक्रमण से बचाना उनका लक्ष्य है। पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की गई और कोतवाली थाना प्रभारी ने इस मामले को लेकर क्या कहा, आपको सुनाते हैं। कोई व्यापारी तो मैं हाथ लगा ले, बचाने आ जाएगा तेरे को बचा लेगा। सुनो तो सर, रखे अंदर, सुनो तो सर। चालानी कार्रवाई करना पुलिस का उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य मात्र ये है कि क्योंकि अभी दमोह जिले की पॉजिटिविटी रेट 26% है, लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इसी कारण से ये एक एहतियातन कार्रवाई है कि आदमी अपने घर पे रहे, सुरक्षित रहे। और चूंकि ये जो अनावश्यक बाहर घूम रहे हैं गाड़ी ले कर या सिर्फ मतलब बिना कोई कारण से जो बाहर चल रहे हैं, उनके खिलाफ़ लगातार चालानी कार्रवाई, बिना मास्क की कार्रवाई और 144 सीआरपीसी के उल्लंघन में कार्रवाई निरंतर जारी है और जारी रहेगी जब तक जनता कर्फ्यू प्रभावशील है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दुकानें खोल कर काम कर रहे हैं, दुकानें कुछ व्यक्ति खोल रहे हैं, उनकी शिकायत जैसे ही मिलती है उस पर कार्रवाई की जा रही है। और ये आपके माध्यम से मैं सभी व्यापारी वर्ग से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि इन सब का उद्देश्य ये है कि आप लोग सुरक्षित रहें, आप भी सुरक्षित रहें, आपका परिवार भी सुरक्षित रहे और आम जनता भी सुरक्षित रहे। इसलिए सिर्फ इतनी सख्ती की जा रही है, तो आपसे मीडिया के माध्यम से विनम्र निवेदन है कि आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें। इस प्रकार से यदि आप दुकान खोल रहे हैं तो ये आप अपने आप को धोखे में रख रहे हैं और इस यदि ईश्वर न करे कि कहीं इन्फेक्शन होता है तो आप स्वयं उससे प्रभावित होंगे और आपका पूरा परिवार प्रभावित होगा। तो पुलिस के माध्यम से, मेरे माध्यम से मेरा विनम्र निवेदन है सभी व्यापारी वर्ग से कि कृपया करके जो जनता कर्फ्यू है, श्रीमान जिला दंडाधिकारी महोदय का जो आदेश है उसका अक्षरशः पालन करें।